एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 आज का टॉपिक है वेपन ट्रेनिंग। इसका सेकंड पार्ट होगा नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। टेस्ट पूरा दीजिएगा, मात्र 10 मिनट का टेस्ट होगा, 10 मिनट से भी कम। हाउ टू गेट ए ग्रेड कैसे ले, उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर लेंगे www.tejasnccarmy.com। ये वेबसाइट है, गूगल पे सर्च कर लेंगे, यहाँ पर आपको सारे डाटा मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और जो DGNCC ने नए क्वेश्चन लॉन्च किए हैं वो सारे भी आपको यहाँ पर मिलेंगे 2-4 दिन के बाद। तो गूगल पे सर्च करके आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे। टेस्ट पूरा दीजिएगा, चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। 7 बजे शाम में भी रेगुलर क्लास कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 5.56 mm इंसास राइफल की मैगजीन में खाली स्थान राउंड भरे जाते हैं 10 राउंड, 30 राउंड, 20 राउंड, 18 राउंड। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल कितनी होती है? ए ग्रेड सभी को दिलाऊंगा अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसास का 20 राउंड और एसएलआर का भी सेम इतना ही होता है, तो दोनों का आप एक साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट सेकंड, 0.22 डिलक्स राइफल की लंबाई खाली स्थान इंच होती है 45 इंच, 18 इंच, 43 इंच, 12 इंच। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 0.22 इंच डिलक्स राइफल? अल्फा सभी को दिलाऊंगा, शाम में डेली 7 बजे टाइम से क्लास आइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 43 इंच। थर्ड, एसएलआर और इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है? सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम, बोल्ट एक्शन ऑपरेशन सिस्टम, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। डेली सुबह में क्लास 7:30 बजे होती है, शाम में 7 बजे होती है और फिर शाम में 8:10 पे, और ये क्विज टेस्ट डेली 4:30 बजे शाम में। तो डेली टेस्ट दीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जो लोग पहले का टेस्ट नहीं दिए हैं प्लेलिस्ट में जाकर टेस्ट देंगे। ऑप्शन ए होगा सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम। फोर, फायरिंग के दौरान वेटिंग डिटेल्स फायरिंग बट से कितने गज की दूरी पर होता है? 100 गज, 25 गज, 50 गज, 200 गज। फायरिंग के दौरान वेटिंग डिटेल्स फायरिंग बट से कितने गज की दूरी पर होता है? इसका आंसर मैंने मिस्टेक से आपको बता दिया था एक बार, तो ध्यान दें इसका आंसर 100 गज होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, 100 गज। फिफ्थ, 7.62 mm LMG का पूरा नाम क्या है? 7.62 mm लाइट मैकेनिकल गन, 7.62 mm लोडेड मशीन गन, 7.62 mm लाइट मीडियम गन, 7.62 mm लाइट मशीन गन। पूरा नाम यानी फुल फॉर्म ऑफ 7.62 mm LMG क्या होगा? कैलिबर के साथ फुल नेम बताते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7.62 mm लाइट मशीन गन। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, 5.56 mm इंसास राइफल का भारी मैगजीन के साथ वजन क्या है? 3.69 kg, 4.4 kg, 4.1 kg, 5.1 kg। वेट ऑफ इंसास विथ लोडेड मैगजीन क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4.1 kg। क्वेश्चन नंबर सेवन, अच्छे निशाने की कितनी मूल आवश्यकता है? 2, 3, 4, 5। अच्छे निशाने की कितनी मूल आवश्यकता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ गुड फायरिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3, जिसको हम लोग शॉर्ट में HAT से याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निशाना लेते समय आंख, खाली स्थान और खाली स्थान एक लाइन में होते हैं, टारगेट, फोरसाइट नोक और पॉइंट ऑफ एम, अपर्चर होल, फोरसाइट नोक और पॉइंट ऑफ एम, टारगेट, अपर्चर होल और पॉइंट ऑफ एम, या डी, इनमें से कोई नहीं। निशाना लेते समय आंख, इसमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शन दिया है 3-3। ये साइट पिक्चर का डेफिनेशन है, तो जिनको साइट पिक्चर का डेफिनेशन याद होगा वो आसानी से बता पाएंगे, तो थियोरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऑप्शन बी, अपर्चर होल, फोरसाइट नोक और पॉइंट ऑफ एम। क्वेश्चन नंबर 9, 7.62 mm SLR की मज्जर वेलोसिटी खाली स्थान है
1030 फीट प्रति सेकंड, 900 मीटर प्रति सेकंड, 2700 फीट प्रति सेकंड, 300 मीटर प्रति सेकंड। एसएलआर का जितना होता है उतना ही एलएमजी का भी होता है, तो दोनों का एक साथ आप याद रखेंगे। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2700 फीट प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, 5.56 mm इंसास राइफल एक खाली स्थान हथियार है, हल्का, भारी, खतरनाक गन, जानलेवा गन। 5.56 mm इंसास राइफल एक खाली स्थान हथियार है, क्या होगा? करेक्ट आंसर इंसास राइफल हल्का हथियार है, लाइट वेपन, ऑप्शन ए होगा। 11.22 डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितने राउंड है? 5 राउंड, 20 राउंड, 10 राउंड, 30 राउंड। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 0.22 इंच डिलक्स। टोटल 25 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा दीजिएगा। डिलक्स की मैगजीन कैपेसिटी, करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 राउंड। 12, 7.62 mm एलएमजी को और किस गन के नाम से भी पुकारते हैं? खतरनाक गन, हल्का गन, भारी गन, ब्रेन गन। 7.62 mm एलएमजी को और किस गन के नाम से भी पुकारा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ब्रेन गन। 13, दुरुस्त शिस्त के लिए दो जरूरी बातें कौन कौन है? ओपन और क्लोज, चेतावनी और कार्यकारी, नज़र से और फायर से, साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर। दुरुस्त शिस्त के लिए दो जरूरी बातें कौन कौन सी है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर। 14, फायरिंग के कितने दर्जे होते हैं? 3, 4, 5, 2। व्हाट आर द ग्रेड्स ऑफ फायरिंग? फायरिंग के कितने दर्जे होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4। 15, 5.56 mm इंसास राइफल में किस प्रकार की गोली से फायर करते हैं? 5.56 mm बॉल, 5.56 cm बॉल, 7.62 mm बॉल, 7.62 cm बॉल। 5.56 mm इंसास राइफल में किस प्रकार की गोली से फायर करते हैं, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 5.56 mm बॉल। 16, गार्ड ऑफ ऑनर में कितने प्रकार का सैल्यूट दिया जाता है? 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 3 प्रकार का। तो राइफल के साथ जितने प्रकार से सैल्यूट देते हैं उतने ही प्रकार का सैल्यूट गार्ड ऑफ ऑनर में देते हैं। आपको थोड़ा सा मैंने हिंट कर दिया ताकि आपके ध्यान में आ जाए, दोनों का सेम होता है, ठीक है? तो डी होगा 3 प्रकार का। 17, 0.22 इंच राइफल की अधिकतम सीमा खाली स्थान गज है, 300 मीटर, 1700 गज, 400 मीटर, 25 गज। मैक्सिमम पूछा, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम, कारगर रेंज नहीं पूछा है। आप लोग मिस्टेक करते हो सारे लोग। मैक्सिमम पूछा मतलब कहां तक उसकी बुलेट जाएगी गोली, ऑप्शन बी होगा 1700 गज। 18, खाली कर के हुक्म पर राइफल को कितनी बार कॉक किया जाता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। खाली कर के हुक्म पर राइफल को कितनी बार कॉक किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 बार। 19, 7.62 mm एसएलआर की प्रभावी रेंज यानी कारगर रेंज खाली स्थान गज है, 300 गज, 400 गज, 500 गज, 25 गज। इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm एसएलआर क्या होगा? एसएलआर का कारगर रेंज गज में 300 गज होता है, यानी ऑप्शन ए होगा। और अगर मीटर में पूछेगा तो 275 मीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 20, 300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर एमपीआई पर वृद्धि यानी ड्रॉप खाली स्थान इंच है, 6 इंच, 8 इंच, 12 इंच,
18 इंच, 300 गज पर, गज की दूरी पर लक्ष्य पर एमपीआई पर वृद्धि यानी ड्रॉप कितने इंच है? 300 गज पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 इंच, और अगर पूछेगा 200 गज पर तो 6 इंच, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 21, राइफल 0.22 इंच मार्क फोर की लंबाई खाली स्थान इंच है, 43 इंच, 45 इंच, 18 इंच, 12 इंच। अभी मार्क फोर का पूछा, एक होता है 0.22 में डिलक्स और दूसरा होता है मार्क फोर, तो अभी मार्क फोर का पूछा है, ध्यान देंगे। तो राइफल 0.22 मार्क फोर की लंबाई 45 इंच होती है, ऑप्शन बी होगा। 22, इंसास राइफल के फायर की रफ्तार की सामान्य दर प्रति मिनट कितनी है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ इंसास 60 राउंड प्रति मिनट, 150 राउंड प्रति मिनट, 20 राउंड प्रति मिनट, 10 राउंड प्रति मिनट, क्या होगा? नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ इंसास राइफल, तो इंसास का नॉर्मल रेट ऑफ फायर 60 राउंड प्रति मिनट होता है, ऑप्शन ए होगा। 23, 7.62 mm SLR राइफल की मैगजीन में खाली स्थान राउंड भरते हैं, 30 राउंड, 10 से 15 राउंड, 18 राउंड, 20 राउंड। जितना SLR का मैगजीन क्षमता होता है उतना ही इंसास का भी होता है, मैंने आपको हिंट कर दिया, सभी का परफेक्ट होना चाहिए। SLR का मैगजीन में 20 राउंड भरे जाते हैं, ऑप्शन डी होगा। 24, MPI का मतलब खाली स्थान है मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, मीन पॉइंट ऑफ इंपोर्ट, मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, मेन पार्ट ऑफ इंपैक्ट, यानी MPI का फुल फॉर्म बताना है, जो आप लोग मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है, MPI का फुल फॉर्म होता है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, आप लोग इसमें मेन लिखते हैं, जिन्होंने मेन लिखा ऑप्शन ध्यान देंगे और स्पेलिंग याद करेंगे, ठीक है, ये गलत है, सी वाले सही है। लास्ट 25, 0.22 इंच राइफल मार्क फोर की मैगजीन क्षमता कितनी राउंड है, 5 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड, 10 राउंड। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 0.22 इंच राइफल मार्क फोर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मार्क फोर की मैगजीन क्षमता 10 राउंड होती है, ऑप्शन डी होगा। 25 में 25 किनका किनका सही है कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जितने विनर हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी लोग कितना सही किए कमेंट करेंगे, ठीक है। और शाम में डेली 7 बजे लाइव क्लास करेंगे, वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया कहाँ से पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करेंगे और पढ़ के आइएगा। मिलते हैं शाम में 7 बजे, और नेक्स्ट कल होगा क्विज टेस्ट वेपन ट्रेनिंग का पार्ट 3। तो आज के विनर जो भी हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, पढ़ के आएंगे अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे क्लास के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।